और जब राम रंग में रंगती है वृत्ति तो जीवन धन्य होता है, कृतार्थ होता है। ऐसा आदर्श संसार में कहीं देखने को मिलेगा नहीं देवियों। भगवान की बड़ी प्यारी आगे कथा आई है, एक बार चुनी सुमन सुहाई। अगर विपरीत परिस्थितियां हो ना तो उसमें भी खुशी के पलों को तलाशना चाहिए। भगवान जानकी और लखन लाल को कभी कभी वन दर्शन करवाने ले जाते, अयोध्या वाले तो सब लौट गए। जनक जी महाराज जाते जाते अयोध्या गए, तीनों अपनी पुत्रियों से मिले। जानकी को देख के उन्होंने कहा था, पुत्री पवित्र किए कुल दो। उर्मिला ने पूरे अंतःपुर की व्यवस्था संभाल रखी थी। शुद्ध कीर्ति और मांडवी को तो वही करना है जो उनके पति करेंगे, उनके चरणों का अनुसरण करना। जब हम समर्पित होते हैं और उस समर्पण में जब कोई दुविधा नहीं होती तब व्यक्ति का जीवन तपस्वी हो जाता है। जो इधर उधर झांकते रहते हैं, इधर उधर से संचालित रहते हैं, उनकी चित्त वृत्तियां बिखरी रहती हैं। इसलिए एक निष्ठ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं निवेदन कर रही थी कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि सोने चांदी के गहने मिले क्यों देवियों। कभी कभी हीरों की डिमांड आपके पति को काला बाजारी के लिए मजबूर कर देती है। यहां भी श्रृंगार हो रहा है, जानकी जी का ठाकुर जी कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक दिन भगवान ने कहा, लखन आप ना वो जो सामने वाली पहाड़ी है ना उसकी तलहटी से कंदमूल लेकर आओ। लखन ने कहा, भैया इस पहाड़ी से नीचे उतरते भी कंदमूल मिलते हैं। राम बोले, नहीं नहीं भैया, आप वहां जाओ, दूर जाओ। लखन समझ गए कि भैया को एकांत चाहिए। आज श्री राम भद्र ने अपने हाथों से पुष्पों को चुना और उनको माला पिरोई और श्री जानकी जी का श्रृंगार किया। सीतें पहराए प्रभु सागर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सबसे सुंदर चीज क्या है देवियों बताओ? वस्तु सुंदर है कि प्रीत सुंदर है? बोलो ना। हाँ, तुम गहनों से लदी रहो और पति कभी प्रेम ना करें तो अच्छा लगता है? हमने लखनऊ में एक घटना देखी थी। एक बड़ी सेठानी थी, बड़ी सी गाड़ी में उसका पति लाया था, उसे बुखार था, ज्यादा था, अस्पताल में भर्ती करना था। पुत्र और पति दोनों आए थे, दोनों लड़ रहे थे, अस्पताल में कोई नहीं रहना चाहता था। वो कह रहा था मेरी विदेश की कल टिकट हो चुकी है, वो कह रहा था मेरी ऑफिस की जरूरी मीटिंग है। दोनों साथ रहने को तैयार नहीं थे। नर्स को ज़्यादा पैसे दे दिए कि इसकी अच्छे से सेवा करना। सेठानी काफ़ी सेठानी थी, गहनों से भी लदी हुई थी, पर पति और पुत्र साथ रहने को रात्रि को तैयार। थोड़ी देर बाद एक रिक्शा वाला अपनी पत्नी को लाया, बीमार थी वो। और जाके किसी ने कहा कि अरे वहाँ धर्मादा दवाई मिलती है। बोले, नहीं नहीं, आज तो दो घंटे ज़्यादा रिक्शा चलाऊँगा और दवाई खरीद के फिर लाऊँगा। और जब रात को 10 बजे सवारी को उतार के वो आया, दवाई खरीदी पत्नी के पास, फिर गीले पानी की पट्टियाँ माथे पे रखता रहा और कहता रहा, सुबह तक ठीक हो जाओगी, सुबह तक ठीक हो जाओगी। एक पलंग पे वो थी, दूसरे पलंग पे वो थी। बताओ सुखी कौन थी? बताओ देवियों, बताओ देवियों, बताओ देवियों, सबसे बड़ी चीज क्या है? बोलो ना बंधु। तुम सारे संसार की दौलत दे दो अगर कुछ अपने क्षण ना दे पाओ, अगर हृदय की प्रीत ना दे पाओ तो अंतर कभी तृप्त होगा? बोलो ना, होगा कभी? कदाचित मैं हमेशा कहा करती हूँ कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ,
कौन यहाँ दो बार मरा है, कौन अमर है बोलो। सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको। बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ, छिन छिन ऐसा लगे कि कोई बिना रंग के खेले होली। हम देखते थे अपने गुरुदेव के साथ, घूमते थे ना बुंदेलखंड में, तो चूल्हे पे रोटियां पका रही, इतना बड़ा घूंघट काढ़े हुए। हम सोचते कि अभी अभी कोई नई नई बहू होगी, तो पता चला नहीं 24 साल हो गए ब्याह को। होता क्या था कि वो बीच बीच में ना घूंघट को ऐसे करके, साधुओं तो देखती थी पर साधुओं को जो परोस रहे थे ना पति देव, तो वो उनको जब देखती थी ऐसा प्यार, हम सोचा नया नया जोड़ा होगा। उसकी ननद बोली 24 साल हो गए। हमने कहा 24 साल, 24 साल बाद भी इतनी हृदय में प्रीत। तो वो बोले कि दीदी माँ यहाँ रिवाज है, पति के सामने अगर पिता होंगे, माता होंगी, ननद होगा, देवर होगा, तो मुंह खोलती नहीं है, और घर में तो सभी लोग रहते हैं, और कभी कभी अवसर मिलता है, कभी कभी एक दूसरे से साक्षात्कार का अवसर मिलता है। इसीलिए 24 साल हो गए हैं, फिर भी ये नूतन है प्रीत, है तो पुरातन पर नित नूतन है। मनुहार से भरकर देखना, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे देखते हैं जैसे आंखों से ही खा जाएंगे, इतने उबे होते हैं। और कई तो मुझे कहते हैं दीदी माँ, लोग कहते हैं 7 जन्म तक ब्याह होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये हमारा आखिरी हो, क्योंकि नाक में दम हो गई। नाक में दम क्यों हो गई भाई? कुछ अपेक्षाएं होंगी, कुछ जरूरतों की डिमांड ज्यादा होगी। क्यों देवियों, सिर्फ 2 फुलके चाहिए पेट को, 2 साड़ियां चाहिए तन को। अगर हृदय में संतोष होगा तो फिर चेहरे पे मुस्कान होगी। काला धागा भी गले में बांध लोगी ना तो बहुत खूबसूरत लगोगी। हृदय का संतोष चेहरे की खूबसूरती को निश्चित करता है। छिन छिन ऐसा लगे कि कोई बिना रंग के खेले होली। यूं मदमाए प्राण के जैसे नई बहू की चंदन डोली। जेठ लगे सावन मन भावन और दोपहरी सांझ बसंती। ऐसा मौसम फिरा धूल का ढेला एक रतन लगता है। तुमने देख क्या लिया कि कोई सूरत लगती नहीं पराई। तुमने क्या छू दिया के बन गई महाकाव्य गीली चौपाई। कौन करे अब मठ में पूजा, कौन घुमाए हाथ सुमिरनी। जीना हमें भजन लगता है, मरना हमें हवन लगता है। जीना हमें भजन लगता है, प्रीत से भरे हुए, नेह से भरे हुए। एक बार चूनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना। कभी कभी तुम कहो ना कि आज भोजन मैं बनाऊंगा, तुम बैठ के खाना, ठीक है? ठीक है ना, होना चाहिए ना ऐसा। एक दिन घर की सारी व्यवस्था तुम करो, ठीक है? और फिर सुबह से लेके सांझ तक देखो कि वो सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे तक जो करती है वो कितना अनमोल है। दुनिया की कोई कंपनी उसकी कीमत नहीं चुका सकती, वो इतना अनमोल है। सबकी फिक्र है किसने खाया किसने नहीं खाया, और तुम्हें तो बस इतना ही पत पूछना है ना कि बाबूजी को चाय दी कि नहीं, पर तुम्हें ये तो नहीं पता ना कि बाबूजी को चाय पसंद कैसी है, उस चाय में डलता क्या है। वो तो सब पुत्र वधू को पता है, उन्हें पता है माँ को क्या रुचता है, पिता को क्या चाहिए, परहेज कैसे करना है, दवाई कब देनी है। एक बार जब देखोगे ना ये करके, तब समझ में आएगा कि पत्नी होने का अर्थ क्या होता है। कई बार पत्नियां मुझे कहती हैं कि दीदी माँ
अब हम भगवान से प्रार्थना करती हैं कि अगली बार जब हमारा जन्म हो ना तो मैं पति बनूं और ये पत्नी बने, तब इन्हें पता चलेगा कि पत्नी बनने का अर्थ क्या होता है। मैंने कहा अच्छी हो, थोड़ा अदला बदली हो जाए पर जोड़ा यही रहना चाहिए, यही भारतीय निष्ठा का दर्शन है, यही भारतीय निष्ठा का दर्शन है। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।